नमस्कार सभी को, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका नेहा एडुकेटर चैनल में। यह है राजस्थान जीके का मॉक टेस्ट और ये एक राजस्थान जीके के एक स्पेशल सीरीज़ है जो कि आपके ये सीरीज़ का पार्ट नंबर 56 है। इससे पहले का जो वीडियो आ चुके हैं अभी तक, उसका आपको लिंक जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे और आई बटन पर क्लिक करने पर जो भी रिसेंटली मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं वो आपको मिल जाएगा। जैसे आज हम जो पार्ट पूरा करने वाले हैं 55 वाला, जिसमें हम लाइव स्टॉक का जो पेपर था वो डिस्कस किया था 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले 25 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको पता लगा कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस पेपर में आए थे। और अगर आप इन सभी का PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी मैंने जो एक लिंक दे दिया है वहाँ पर आप सारे पेपर, मास्टर क्वेश्चन पेपर और उनका जो फाइनल आंसर की है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। वो आपको मिलेगा केवल और केवल टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बाकी अगर आप उसको लिंक पर क्लिक करने पर अगर आप नहीं जा पा रहे हैं चैनल पर, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सर्च कर लेना है एग्जाम्स इट इज़ नेहा एडुकेटर कर देना है, तो आपको चैनल मिल जाएगा। एग्जाम्स इट इज़, ये आपकी स्पेलिंग है एग्जाम्स, फिर आपको जो चैनल का नाम है इट इज़ नेहा एडुकेटर कर देना, आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, नहीं तो आपको जो ऑफिशियल चैनल है इट इज़ नेहा एडुकेटर वहाँ पर भी आपको जो लिंक है जहाँ पर आप सारे पेपर डाउनलोड कर पाएंगे, ऑलमोस्ट अपलोड हो चुके हैं, बाकी हो रहे हैं। सो आई होप आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं सीरीज से तो आपको पता ही होगा कितनी हेल्पफुल है ये। तो ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 26 नंबर से हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप 25 में से जितना भी स्कोर करें वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। बाकी हम फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग आंसर कर रहे हैं जो कि एकदम फाइनल है आंसर। तो इसमें है कि राजस्थान में औसत वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़े अच्छे से, आलेखित करने वाले जिले कौन से हैं। तो परिवर्तनशीलता के बारे में बात की गई है कि बहुत ज़्यादा एक अलग इनमें से कौन से जो ज़िले दर्शाते हैं जिसमें औसत वर्षा से संबंधित है। तो अगर हम बात करें जैसलमेर और बाड़मेर, तो ये आपके प्रदेश कौन से हैं, शुष्क प्रदेश। वहाँ पर लगभग हम बात करें 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच में क्या होती है औसत वार्षिक वर्षा होती है, बाकी में जो है वर्षा इससे अधिक है। तो इसलिए इन तीनों से जो अलग हो गया इसमें परिवर्तनशीलता काफ़ी है औसत वर्षा में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और अगर हम बात करें आपके शुष्क क्षेत्र में जहाँ पर लगभग 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच में जो आपकी औसत वार्षिक वर्षा होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ गई, एक तो जैसलमेर आ गया, बाड़मेर में भी अगर हम उत्तरी बाड़मेर की बात करें तो, और दक्षिणी गंगानगर आ जाता है आपका, और बीच में जो बीकानेर है आपका, और जोधपुर का भी पश्चिमी भाग आ जाता है। तो इनको आप ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पर को जो है सबसे कम वर्षा जो है राजस्थान में देखने को मिलती है। और अर्धशुष्क की अगर हम बात करें तो वो कौन सा हो जाता है, अपने चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बाड़मेर, जो दक्षिणी बाड़मेर की हम बात करें, और बीकानेर का पूर्वी भाग, के सारे किसमें आते हैं हमारे अर्धशुष्क में। पाली जिला किसमें आता है, पाली जिला भी अर्धशुष्क में आता है। और अगर हम बात करें अपने जो अलवर, जयपुर और जालौर, नागौर, झुंझुनू, ये जो ज़िले हैं वो किस में आते हैं, ये भी आपकी उप आर्द्र जलवायु में आते हैं। जो आपकी उप आर्द्र जलवायु होती है उसके अंदर आते हैं, जिसमें लगभग 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। और कई बार जो पाली जिले को भी उप आर्द्र जलवायु में शामिल कर लिया जाता है कुछ क्षेत्रों को। और एक जो आर्द्र जलवायु भी पूछी जाती है कि आर्द्र जलवायु किन जिलों में है, हालांकि अगर आप पढ़ेंगे इन टर्म्स को तो भी आप आंसर कर सकते हैं। जैसे पूछा जाए कि आर्द्र जलवायु जो है उसके प्रदेश कौन कौन से हैं, तो भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी और आपका सवाई माधोपुर आ गया, बाकी आपका उदयपुर है, और दक्षिण पूरी जो टोंक आ गया, ये किस में आए, आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। यहाँ पर जो है 60 से 80 जो सेंटीमीटर के बीच में क्या होती है वर्षा होती है। और अति आर्द्र में हम बात करें तो आपका सबसे पहला तो ये आना चाहिए कि अति आर्द्र में कौन से आएंगे। जैसे कि अगर पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश कौन से ज़िले में होती है, तो क्या आपका आंसर होगा, वो होगा आपका झालावाड़। तो झालावाड़, कोटा, कोटा में भी जो दक्षिणी पूर्वी कोटा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बारिश के अंदर आएगा ये, तो अति आर्द्र जलवायु के अंदर कराता है जहाँ पर होती है। कितनी अति आर्द्र में भी आप ध्यान रखें, अति आर्द्र में होती है 80 से 120 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। ये थोड़ा एक आप आइडिया लगाने के लिए मैंने इतना कुछ बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता का
ठोस उपचार क्या है, तो इस तरह के प्रश्नों को भी आप ध्यान रखें क्योंकि ये खनिजों से संबंधित ही प्रश्न माने जाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिप्सम शोधन, तो थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? तो ये जो दिया गया है वो मार्च 2011 के अनुसार है, तो इसमें जो राइट आंसर जाएगा अगर हम 2011 की बात करें तो 9.55%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो इसमें आपको इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा होगा इसका राइट आंसर। तो जो ये सोयाबीन के लिए है वो होगा आपका आर्द्र दक्षिण एवं पूर्वी मैदान। और इसके लिए अगर जिलों की बात करें तो मुख्यतः कौन से जिले आते हैं सोयाबीन के लिए? तो आते हैं झालावाड़ और बारा। तो इसका आप जरूर ध्यान रखें, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। तो थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर हो गया। राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? यह है जोहड़ बीड़ में। तो सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर है। तो यहाँ जो स्थापना की गई थी राष्ट्रीय या फिर केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की, तो ये आपकी बीकानेर में है। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 5 जुलाई 1984 में, ये भी आप ध्यान रखें। राजस्थान में कितने मृग वन हैं? तो 6 इसका राइट आंसर होगा, फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग अभी तक का। राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्यों का दक्षिण से उत्तर की ओर का सही क्रम पहचानिए। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था, जो कि कल इसी पेपर का जो था, उसमें पूछा गया था कि आपके जो झीलें थी उसमें भी आपको दिशाओं को लेकर ही पूछा गया था। अब ये दूसरा प्रश्न है वन्य जीवों को लेकर के। तो पहला है आपका भैंसरोड़गढ़, फिर आपका जवाहर सागर, फिर आपका सवाई मानसिंह, फिर आएगा आपका जमुआ रामगढ़। तो ये आपके जो है दक्षिण से उत्तर की ओर के जो क्या हो गए, वन्य जीव अभयारण्य हो गए हैं। तो अब इनके साथ में आपको जिला भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से जिले में ये है। जैसे कि दक्षिण से उत्तर की ओर अगर हम जा रहे हैं तो भैंसरोड़गढ़ आपका कहाँ पर आएगा? चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद अगर हम जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य की बात करें, जो कि ये एक से ज़्यादा जिले के अंदर है, तो ये जो आपका फैला हुआ है कोटा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी तीनों में है। और फिर आपका सवाई मानसिंह जो है वो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य वो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर है वो है 19.63 लाख हेक्टेयर। तो फोर्थ ऑप्शन का राइट आंसर है। मेजा बांध का निर्माण राजस्थान की किस नदी पर किया गया था? तो ये मेजा बांध कोठारी नदी। तो ये भीलवाड़े से संबंधित इस बोर्ड के बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन में से है, कि बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि मेजा बांध कौन सी नदी पर है, या फिर भीलवाड़ा में कौन सा बांध है, कौन सी नदी है, इस तरह के। तो उसको आप ज़रूर ध्यान रखें, हालांकि ईजी क्वेश्चन है। तो ये आपका कोठारी नदी पर जो है मेजा बांध बना हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 के भू जल संरक्षण सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में अपने भू जल का 100% से अधिक दोहन वाले सुपर क्रिटिकल डार्क जोन की संख्या कितनी है 2011 के अनुसार? आपको बताना है यहाँ तक की। तो इसमें आ जाएगा 172 जो है डार्क जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज स्लरी राजस्थान के किन जिलों में पारिस्थितिकी भूमि की उर्वरा शक्ति दोनों को अपूर्णीय क्षति पहुंचा रही है? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? तो वो होगा आपका राजसमंद एवं उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद एवं उदयपुर, तो फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर है। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है? तो ये है मिट्टी की लवणीयता एवं क्षारीयता, तो फर्स्ट ऑप्शंस का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महाराजा अग्रसेन सड़क मार्ग भाग है, तो इनमें से किसका भाग है? तो ये है सुल्तानपुर
सुपर नेशनल हाईवे का फोर्थ ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। राजस्थान के से गुजरने वाले निम्नलिखित राजमार्गों में से राज्य सीमा से सबसे कम लंबाई वाला मार्ग इनमें से कौन सा है? NH का इनमें से नाम बताना है, तो कौन सा है? अगर हम इनमें से बात करें इन ऑप्शन में से, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NH 12। अब इसको भी आप ध्यान रखें कि ये कहाँ कहाँ से जो है राजस्थान से गुजरता है। तो झालावाड़ हो गया, उसमें बूंदी, देवली, टोंक और आपका जयपुर है, यहाँ से ये जो है आपका NH 12 जो है गुजरता है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। और राजस्थान में लिग्नाइट कोयला के प्रमुख जमाव कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपूरडी, मेड़ता, पलाना, जो कि क्या है, लिग्नाइट कोयले के प्रमुख जमाव स्थित है यहाँ पर। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी क्या अध्ययन है, ऑस्टियोलॉजी के अध्ययन किसका है इनमें से? तो ये है अस्थियों का है अध्ययन। तो अब जो है प्रश्न इसके लाइव स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। तो इसमें 40 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो राजस्थान जीके से संबंधित थे। तो आज का मॉक टेस्ट है यहाँ पर 15 क्वेश्चन पर ये कंप्लीट होता है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी रही है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट आए, नया वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और जिनको भी क्वेरी रहती है कि उनको नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो उसका रीज़न ये है कि आपने बेल आइकन प्रेस करके उसका ऑल वाला जो ऑप्शन है वो चूज़ नहीं कर रखा है। और सारे जो रिलेटेड लिंक है, वीडियोज़ हैं, वो मैंने इस आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो आपको जो है हेल्प मिल जाएगी। सो आज के वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।